हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज रात क्राइम पेट्रोल दस्तक में देखिए। यही दरवाजा है। तुम लोग यहाँ क्या बात है? अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? बस बोलो तो। अरे कुछ लड़कियों ने एक औरत को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा और उसे छोड़कर चली गई। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उस औरत के साथ आखिर हुआ क्या, क्योंकि ये सारी लड़कियां अंधी थीं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं वसई पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। हमारे इलाके में एक लड़कियों के लिए चलाया जाने वाला ब्लाइंड स्कूल था जो किसी सेठ ने अपनी माँ के नाम पर खोला था। कुछ टीचर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे और एक हॉस्टल। भले ही इस स्कूल में पढ़ने वाली सारी लड़कियां अंधी थी, लेकिन उनमें से कुछ दिलो दिमाग से बहुत ही चंचल थी और उन्हीं की चंचलता के कारण कुछ ऐसे अपराध हुए जिनको सुलझाते सुलझाते मेरा और मेरी टीम का दिमाग हिल गया। आप कौन होते हो सवाल करने वाले? हाँ, बाप हो या आशिक? नीलू, मेरे सामने ज्यादा बदतमीजी नहीं, समझ में आया ना? तो सर, हम और क्या करें? आपके सामने नागिन डांस करे। चुप, मजाक लगा यहाँ पे? वो लड़का कौन था? कैसे आया अंदर? किसके कहने पे आया था? बॉयफ्रेंड है, त्रिशा का। क्या कहा? बॉयफ्रेंड? क्यों, अंधी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते क्या? ये सिर्फ आप आंख वाले ही लव सेक्स और धोखा कर सकते हैं। शट अप, जस्ट शट अप। अरे क्यों करें हम शट अप? क्या किया है हमने? लड़कों से मिलना गलत है क्या? तू शादी नहीं करेगा है? ए नीलू चुप कर, वो टीचर है ना हमारे। ए चुप कर बे, तू अपनी वाइफ के साथ नहीं करेगा तो हमको क्यों रोक रहा है? गया क्या है? मैम, ये लड़कियां आंखों से तो लाचार हैं, लेकिन इनकी नियत और इनकी जबान मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हुए हैं। सब नहीं, पेड़ पे सारे फल सड़े नहीं होते मैम, लेकिन दो चार सड़े हुए फल सबका दिमाग भी तो सड़ा सकते हैं ना। ये नीलू, सविता और त्रिशा, मैम यहाँ तक सुनने में आया है कि इनसे कुछ लड़के बाहर से मिलने आते हैं। वो अपने चौकीदार मनोहर है ना, उसने खुद बताया मुझे। और गलती से अगर आप कुछ उनसे पूछने चले जाओ तो काटने को दौड़ती हैं मैम। थोड़ा सब्र करो रजत, कल आ ही रही है माया पाटिल, पुणे के ब्लाइंड स्कूल से, काफी एक्सपीरियंस्ड है। वो पढ़ाएगी भी और इस हॉस्टल की वार्डन भी वही होगी, फिर देखना सब कैसे डिसिप्लिन में होगा। मैम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप देख लेना, माया भी बाकियों की तरह ना एक दो दिन हो जाएगी, बाकी जैसे आए और चले गए। आज से मैं यहाँ पढ़ाऊंगी और तुम लोगों के साथ हॉस्टल में भी रहूंगी। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं। जरूरत तो सबको होती है, बस बच्चों को नहीं। ए तू क्या है, चपड़ चपड़? शट अप। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये मेरी बेटी है स्वीटी। ये भी पढ़ाएगी क्या? नहीं, तो जैसा मैं बोल रही थी, जरूरत हो ना हो मैं रहूंगी और सब नियम से चलेगा। तुम सब लोग यहाँ पढ़ लिख कर कुछ बनने आए हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के। हो गया इसका भाषण शुरू। इन लड़के को तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ओए चपड़ चपड़ बंद कर, वरना अभी मैं तुझे मैनर्स सिखा दूंगी। ए चल वे चल। देख रहा हूँ मैं, एक तो उनके पास आंखें नहीं है और ऊपर से इतना ज्यादा एटीट्यूड। ऐसा मत बोलिए सर, सब एक जैसे नहीं है और आग से दिखता नहीं, इसमें इनका क्या दोष? चलो सब क्लास में, मौसी घूम जाए ना। स्वीटी बेटा, जब मम्मा बात करती है ना तो
तो बीच में नहीं बोलते। सॉरी मम्मा। क्या हालत बना के रखी है तुम लोगों ने कमरे की, क्या ये सब? हमें क्या पता मैडम, हम थोड़ी ना देख पाते हैं। और क्या फर्क पड़ता है मैम? फर्क पड़ता है, सफाई और गंदगी नजरों में नहीं दिमाग में होती है। और क्या है ये सब, बेडशीट भी ऐसा रखा हुआ है। ये क्या है, कहां से आया? मैडम आपको नहीं पता क्या, शादी तो हुआ होगा ना आपका, वो चपड़ चपड़ आपकी बेटी है ना। शट अप। तुम लोग अपनी अपनी जगह साफ करोगे, अपने बेड को अच्छे से रखोगे, नहीं तो कल शाम की एक्टिविटी क्लास और हॉबी क्लास कैंसिल कर दूंगी मैं। अगर ये एडल्ट चीजें फिर से हॉस्टल में नजर आई तो देख लेना तुम लोग मैं क्या करती हूँ। चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ए चपड़ चपड़, क्या खा रही है? एप्पल। हाँ, अब यहाँ का दूध और फल आपकी बेटी खाएगी क्या? ए, ये मेरा है। अंदर आ जाओ। हाँ रजत जी, आइए ना, आइए बैठिए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम। मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़कियां जहर हैं, जहर। अभी आपने कुछ देखा ही कहाँ है? जैसी भी है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना मुझे। पापा कहाँ इसके? वो एक्चुअली हमारा डिवोर्स होने वाला है। I'm sorry. साल भर से कोर्ट में केस चल रहा है, एल्यूमिनियम में मुझे मेरा फ्लैट चाहिए, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से उसको मेरी बेटी चाहिए। स्वीटी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इसको उसके हवाले नहीं करूंगी, मेरी बच्ची। माया जी, I'm sorry, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। माया जी, काफी रात हो गई, मैं चलता हूँ। माया जी, आप ठीक तो हो ना? रजत, रजत पुलिस को बुलाओ। मैम छोड़ दो ना मैम, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। रजत तुम जाओ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं मैडम, मैडम प्लीज, मैं इसको जानती हूँ, ये मेरे जानने वाला है। हाँ। जुगल मात्रे मुझे बहुत पसंद करता है मैडम, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए ना, इस बार गलती हो गई, दोबारा पक्का ऐसा नहीं होगा, प्लीज जाने दीजिए। तिला क्लासरूम में दे लग गयी। मैडम प्लीज छोड़ गयी। तिला आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुमको, अगर आगे से कुछ हुआ ना तो छुट्टी होगी तुम्हारी। छुट्टी काहे कर देंगे, 10 साल से काम करते हैं यहाँ। मनोहर भैया ने क्या किया है, अभी कोई अंदर घुस जाएगा, ये लड़की लोग, आप इनको कंट्रोल करो ना। कौन हो तुम भाई? हमारा भाई है मनीष, ये मेंटेनेंस का काम देखता है। मनोहर भैया की गलती नहीं है, आप इन लड़कियों को संभालो। तुम अपनी बकवास अपने पास रखो, और तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ मैं। माया के आने से स्कूल में थोड़ी बहुत डिसिप्लिन बढ़ गई थी, लेकिन कुछ लड़कियों को ये डिसिप्लिन रास नहीं आ रही थी। यहाँ पर्सनल फ्रंट पर माया कई सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी,
उसकी और रजत की दोस्ती बढ़ गई थी। अगर यह दोस्ती दोस्ती तक ही सीमित रहती तो बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। 225 नंबर की बस गई क्या? नहीं, आएगी अभी। भाई बहुत मजा आ रहा है, अब मुझे भी एक चांस दिलवा देना। भाई तू जितना बोलेगा उतना दूंगा, लेकिन सुन ये वाली लड़की चाहिए। मिलेगी तेरे को, यही मिलेगी। पक्का ना? पक्का। चल। सविता, रजत यहाँ का डिसिप्लिन थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। अब और कितना टाइट करें? जो वीडियो मैंने देखा था ना, वो अपने इसी स्कूल के कैंपस में बनाया गया था। अगर वो वायरल हो गया तो स्कूल का नाम बहुत खराब होगा। हमें प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल मैडम तो आज है ही नहीं यहाँ। तू कौन होती है फैसला करने वाली? प्रिंसिपल है क्या यहाँ की? ये स्कूल है, कोई जेल नहीं। और हमारी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। अब से कोई भी स्कूल के गेट के बाहर कदम नहीं रखेगा। अम्मा, मैंने इन दोनों लड़कियों को स्कूल के पीछे वाली दीवार से दूसरी तरफ जाते हुए देखा। ओए मैम, अपनी इस बिल्ली को ना दूर रख, जासूसी करती फिरती है। शट अप। चलो सुन, चलो इस चपड़ चपड़ का कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ बच्ची को? अरे कौन मारा इसको? क्या क्या हुआ? स्वीटी कौन है यहाँ? ये चौकीदार की आवाज है। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, क्या हुआ इसको? स्वीटी उठ, स्वीटी। तूने मेरी बेटी को मार डाला, मार डाला तूने मेरी बेटी को, मेरी बेटी को मार डाला। हमने नहीं मारा साहब, साहब हमने नहीं मारा। सर इसी ने मारा है मेरी बच्ची को। मैं वॉचमैन पे एक्शन लेने वाली थी, इसके रहते हॉस्टल में लड़की घुसाते थे। मैंने एक वीडियो भी देखा था सर, ये उन लड़कों से मिला हुआ। जब मैंने इस पे एक्शन लिया, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुमको, अगर आगे से कुछ हुआ ना तो छुट्टी होगी तुम्हारी। इसने मेरी स्वीटी को ही इसने बदला लिया है मुझसे। जब सुबह मैं प्रिंसिपल के केबिन के बाहर निकली तो ये मेरा पीछा कर रहा था। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैडम हमारे बात सुनिए, मैडम ऐसा मत कीजिए, तो मैडम हमारे बात सुनिए, मैडम मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम ऐसा मत कीजिए, हमारा परिवार है मैडम, देखिए हमारे बच्चे हैं मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम खोलिए। जो करना है कर लो, देखो मैं कल क्या करती हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा ये स्वीटी को लेकर बैठा था। किसी ने मेरे स्वीटी को मारा है सर। स्वीटी बर्थडे क्यों जाना? तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था मेरी बच्ची मुझे दे दे, तुम्हारी वजह से। सर कॉरिडोर में कोई मुझे धक्का देकर भागा था, फिर हमें चौकीदार की आवाज आई, और फिर सर कोई मुझे भी धक्का मार के मेरे आगे आ गया था। तुम लोगों ने कुछ सुना? सर हम जब क्लासरूम से रूम में वापस जा रहे थे तो बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कोई दरवाजा पीट रहा था, और अंदर से मैम चीख रही थी कि कल सुबह बताती हूँ, कल सुबह बताती हूँ। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था सर। और सर हाँ, हमने बाइक के जाने की आवाज भी सुनी थी दूर से। मैडम ने कुछ लड़कियों को गलत काम करते हुए पकड़ लिया था, चौकीदार ड्यूटी नहीं कर रहा था, इसीलिए शायद से ये सब हुआ। माया ने वॉचमैन को निकालने की कंप्लेन की थी। मैडम
वो चौकीदार मनोहर, उसके रहते हुए बाहर के लोग अंदर घुस आते हैं और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, स्कूल का नाम खराब हो रहा है और उसकी खुद की नीयत। माया शांत हो जाओ, पहले तुम बैठो, अब बताओ क्या हुआ। मैडम उस चौकीदार की बुरी नजर है मेरी बेटी पर। माय गॉड, तुम एक काम करो, एक फॉर्मल लेटर लिखो, मैं वो लेटर स्कूल के ट्रस्टी को भेज देती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। वो मेरे पास आकर बहुत रोया, मैंने उसे कहा कि तुम्हें माया से बात करनी होगी, उसे बोलो कंप्लेंट वापस ले ले, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन सर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है किसे पता। सर, सर वो कुर्सी में बैठे बैठे हमारी आंख लग गई थी सर, वो दरवाजा पीटने का आवाज सुने तो हम उठ के भागे, जब वहाँ गए तो वो बच्चे मर चुके थे साहब, और दूसरे बच्चे लोग वहाँ सब खड़ा था साहब, वो छोकरी लोग वहाँ पे। किसी ने माया से बदला लेने के लिए उसकी बच्ची को मार दिया था। वॉचमैन मनोहर हमारी हिरासत में था, मनोहर के पास माया की बेटी को मारने की वजह भी थी। बदला लेने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद हमने मनोहर से बड़ी ही सख्ती से पूछताछ की और तब उसने जो हमें बताया वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। कैसी हरकत सर, कुकुल मिलने आता है रात को, मैडम को कमरे की चाबी भी है उसके पास, हम मैडम को खुद बोले सर कि कौन है जो रात में मिलने आता है तुमको। नजर रखने को बोला था तुमको, क्या कर रहे हो, झापड़ मार के बूढ़े आदमी को, अपना हिसाब करो, निकलो यहाँ से। आप प्रिंसिपल नहीं हुए इधर के, 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। क्या काम, तुम्हारे रहते ये कांड यहाँ पे हो रहा है। प्रिंसिपल मैडम आज स्कूल में नहीं है, कल मैं उनसे बात करूंगी, और ये जो सब कुछ हो रहा है ना तुम भी मिले हुए हो। गलत बात है मैडम, बहुत गलत, और वो भी गलत है जो रोज तुम्हारे कमरे में होता रात में। क्या क्या बोला तुमने, कोई आता है ना कमरे में तुम्हारे। तू रुक, कल मैं मैडम से बात करती हूँ, फिर देख मैं क्या करती हूँ। हम पे इल्जाम लगा दिया, हम तो बदला ले रही है साहब, साहब उसका आदमी से भी उनका नहीं जमता है साहब, बहुत झगड़ा होता है, कल सुबह भी आया था साहब। एक बात समझ में आया, अगर स्वीटी मेरे पास नहीं रहेगी ना तो किसी के पास भी नहीं। सच कह रहे हैं साहब। नहीं सर, सर वो चौकीदार झूठ बोल रहा है, सब बकवास कर रहा है वो, मेरे कमरे में कोई नहीं आता था रात को। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि उसने कई बार देखा है, कोई है जिसके पास आपके कमरे की चाबी है शायद। नहीं सर, सर वो कहानी बना रहा है। सर आप ही बोलिए ना कि अगर कोई आता, अगर उसने किसी को देखा होता तो पकड़ा क्यों नहीं उसको। सर सर वो आदमी इतना निकम्मा है कि स्कूल के कैंपस में बाहर के लड़के घुस आते थे, लड़कियों के साथ बदमाशी करते थे, और आपको तो जुगल का केस पता ही है ना सर। हाँ मुझे पता है, अब तो वो बेल पर छूट भी गया। सर उसके खिलाफ एक्शन लिया, इसीलिए उसने मेरी बेटी को हाँ मैडम, आपके पति के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है। सर हमारे डिवोर्स की बात चल रही है, हमारी कभी बनी नहीं, उसको मेरी बेटी चाहिए थी, वो बोल रहा था कि या तो बेटी उसके पास रहेगी या किसी के पास नहीं रहेगी, है ना। जी जी सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने आपकी बेटी को। नहीं सर, नहीं, स्वीटी अपने पापा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन परेश उसे मार नहीं सकता सर। क्यों नहीं पसंद करती थी स्वीटी अपने पापा को। ये माया अभी भी हमें पूरी बात बता नहीं रही है गायकवाड़। और अगर चौकीदार की बात माने तो माया से मिलने कोई आता भी था। ये माया का पति, इन दोनों के डिवोर्स की वजह क्या है। जिस दिन स्वीटी का मर्डर हुआ उस दिन ये पति भी तो आया था। एक काम करो, माया के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर बता, ये परेश नाइक इधर ही रहता है क्या। हाँ साहब, इधर बाजू में ही रहते। उसका और उसकी बीवी का कुछ गड़बड़, कुछ झगड़ा वगड़ा। अरे साहब क्या बताऊँ आपको, साहब रात रात भर चिल्लाती रहती थी बेचारी, और बच्ची तो अलग से रोती थी। पापा, मम्मा को मत मारो पापा, प्लीज पापा।
माया और मेरी बिल्कुल नहीं जमती थी सर। उसे बाहर जाके काम करना था और मुझे हाउसवाइफ चाहिए थी। कल सुबह तो उसके स्कूल गया था। वो सर मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने के लिए। डिवोर्स पेपर लाया हूँ, साइन कर। एक साल से कुत्ते की तरह उसके पीछे लगा हूँ, साइन ही नहीं करती। धमकी दी तूने उसको? हाँ, क्या धमकी साहब? तू बता। मैं नहीं साहब। बच्ची मेरे पास रहेगी या फिर किसी के पास नहीं रहेगी। वो मतलब नहीं था सर। आपको क्या लगता है मेरी स्वीटी को मार डालूंगा सर? नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता साहब। अपनी बीवी को तो बहुत मारता था तू। गुस्से में आके कभी कभी हाथ उठ जाता था। मेरा कहने का मतलब था कि अगर स्वीटी मेरे पास नहीं रहेगी तो उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। मैं मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में रख दूंगा, पर उसके पास नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था सर। डोमेस्टिक वायलेंस का तो केस बनेगा तेरे ऊपर। वो कुछ बोली गए? शुक्र मना, उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन किसी ने भी कुछ बोल दिया ना तो बिना बेल के सीधा अंदर जाएगा। सर, पोरगी छोटी होती पर जबान बहुत चलती थी उसकी। स्वीटी से यहाँ किसी को कोई परेशानी थी? लड़की लोग के साथ उसका कुछ न कुछ होता ही रहता था। लड़की लोग भी नाराज थे, स्वीटी उनको उलट जवाब देती थी। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं। जरूरत सबको होती है, बस बच्चों को नहीं। मम्मा, मैंने इन दोनों लड़कियों को स्कूल के पीछे वाली दीवार से दूसरी तरफ जाते हुए देखा। ये नीलू और सविता ने माया मैडम को बोल दिया था, अपनी बच्ची को संभाल के रख। ओए मैम, अपनी इस बिल्ली को ना दूर रख, जासूसी करती फिरती है। बहुत बोलती थी सर, नीलू ने तो उसका नाम भी रखा था चपड़ चपड़। बड़ी बदतमीजी से बात करती थी सर। नीलू ने उसे एक दो बार बोला भी, पर वो इतनी सी बच्ची पलट के जवाब देती थी। अरे नहीं नहीं सर, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता था उस पर। अरे नहीं सर, बच्ची तो बहुत ही प्यारी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये लोग बकवास कर रहे हैं सर, स्वीटी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सर, स्वीटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है? सर, वो रिपोर्ट कल शाम तक आ जाएगी। सभी आरोपियों के सैंपल्स भेजे हैं, उस चौकीदार के, माया के पति परेश के और उन लड़कियों के भी। सर, माया के कॉल डिटेल्स। माया एक नंबर से लगातार बातें कर रही थी। किसका नंबर है? रजत वर्मा। रजत वर्मा कौन? सर, ये रजत वर्मा माया के साथ उस स्कूल में टीचर है। दोनों एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे हैं, जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ तो है। उस चौकीदार ने भी कहा था कि माया के कमरे में रात में कोई तो जाता है। सर, कोई मिलने आता है रात को मैडम को। यही जाता होगा, रजत वर्मा। नहीं सर, मैं कभी कभी जाया करता था, और सर वो भी दिन में सिर्फ जाता था मैं। अच्छा अच्छा, इस कैंपस में जो सारे कमरे हैं तो आप टीचर्स लोग कैंपस में ही रहते हैं? हाँ सर, हम सब यहीं रहते हैं सर। ओके, और तुम्हारे और माया के बीच मतलब कुछ? सर, हम सिर्फ कलीग्स हैं, और मैं पिछले 8 साल से सर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो जस्ट ज्वाइन किया अभी। नहीं तो फिर तुम दोनों के बीच इतने फोन कॉल्स क्यों होते थे? हाँ, दिन में 12-13 बार। हमने आपके कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, वो काम के सिलसिले में हमारी बात होती थी सर, बच्चों के स्टडीज, उनके प्रोजेक्ट्स, ये सब करने होते थे, इसलिए बात होती थी। हाँ सर, वो थोड़ा फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि डिवोर्स हो रहा था सर उसका। तो सर वो मेंटली बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो वही सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करती थी। सर, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है राधा मोरे। सर, यहीं पर क्लर्क है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो सर। हाँ, वो तो हम बिल्कुल चेक करेंगे। अच्छा गायकवाड़, एक बात बताओ, वो वॉचमैन कुछ बता रहा था चाबी के बारे में कुछ? वॉचमैन ने कहा था कि माया के कमरे में कोई देर रात जाया करता था, और शायद उसके पास कमरे की चाबी भी थी। चलो मास्टर जी के भी कमरे की तलाशी ले लो, कर ले शोधा। सर, अरे गायकवाड़, मास्टर जी की भी तो तलाशी लो। सर, मेरे पास क्या है सर? अरे नहीं, फॉर्मेलिटी सर, कुछ नहीं है सर, सब कुछ नहीं है सर, मैंने बोला ना कुछ नहीं है सर। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करते करते इतनी सारी चाबियां निकल आई। हाँ बताइए मास्टर जी, ये चाबियां कौन सी है? सर, ये चाबी मेरे रूम की है सर, और लॉकर की। अच्छा। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो सर। वो तो हम चेक करेंगे, काम ही है हमारा। और ये
ये सर कानपुर में जो मेरा पुराना घर है ना, उसी की चाबी है सर ये। ओ, कानपुर के हो? हाँ सर। चलो अब चलते हैं। कहाँ सर? कानपुर। सर 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 सर, माया का कमरा। सर आप, क्या बात है? कुछ नहीं, सिर्फ आपके कमरे का लॉक चेक करना था। प्लीज बाहर आइए। रिकॉर्ड। तो मास्टर जी, ये है आपका पुराना घर। गायकोड़, डालो इसको गाड़ी में। सर आप खामोखा शक कर रहे हो मेरे ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, सिर्फ आपको हमारे पुलिस स्टेशन की काली कड़क चाय पिलाएंगे, बाकी कुछ नहीं। जब अरे सर कुछ नहीं किया मैंने सर। मुझे लगता है इस रजत के साथ साथ ये माया भी अपनी बच्ची के मर्डर में शामिल है। लेकिन सर एक माँ अपनी ही बेटी को मारेगी? ये प्यार मोहब्बत का खेल बड़ा टेढ़ा होता है गायकवाड़, इसकी वजह से दुनिया में कुछ भी हो सकता है। खैर पहले इस रजत का सच जान लेते हैं। अब लीजिए मास्टर जी, हमारे पुलिस स्टेशन की स्पेशल कड़कड़ी चाय पीजिए। लीजिए। अब बोलिए। सर वो मेरे सामने इमोशनल हो गई थी, मैंने उसको तसल्ली दी तो फिर बात फिजिकल हो गए। उसके कमरे में रोज जाते थे? नहीं सर, दो तीन दिन में एक बार। प्यार माया से करते थे और एंगेजमेंट किसी और से कर ली? सर प्यार व्यार नहीं था, वो तो बस ऐसे ही जरूरत थी, और जरूरत पूरी होते ही तुमने एंगेजमेंट किसी और से कर ली। तो माया ने कुछ कहा नहीं तुमसे? सर जरूरत हम दोनों की थी। वो तो थी, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज सुनने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा तुमसे? मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, तुम तैयार हो? ठीक है। क्या चल रहा है ये? कौन है ये? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, ये राधा है जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है। क्या? क्यों? क्या बोल रही है ये औरत रजत? कुछ नहीं, तुम घर चलो, मैं बताता हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? और हमारे बीच जो चल रहा था वो क्या हमारे बीच चल रहा है? तुम मैरिड हो और मैं, लेकिन मैंने समझाया तो वो समझ गई। समझ गई? जी सर। अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ, ये माया की बच्ची की डेथ हो गई, उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? सर वो चौकीदार बदला ले रहा है। आपको भी ऐसे ही लगता है? सर हम भी उसी की इंक्वायरी कर रहे हैं। एनीवे आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। जी सर। रिकॉर्ड, स्वीटी की गर्दन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, वो रिपोर्ट कल शाम तक एक्सपेक्टेड है। भेज दो, मास्टर जी का ये ग्लास भी भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। सर स्कूल टीचर रजत, माया का पति परेश, चौकीदार मनोहर, स्कूल में पढ़ने वाली अंधी लड़कियां और खुद माया, स्वीटी के मर्डर केस में ये सभी लोग शक के दायरे में थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रेशर तो मुझ पर था ही, लेकिन मुझे किसी और बात का प्रेशर महसूस हो रहा था, और वो बात ये थी कि अभी भी इस केस में जुर्म की दस्तक मिल रही थी। लड़कियां अभी भी गलत हरकतें कर रही थी, पति अभी भी अपनी पत्नी से झगड़ रहा था, और एक टीचर का दूसरे टीचर से अभी भी अफेयर चल रहा था। मुझे इस बात का डर था कि इन सब में से कोई नया कांड न खड़ा हो जाए, और दुख की बात यह है कि मेरा यह डर बहुत ही जल्द सच साबित हुआ। लगता है इस दुपट्टे से ही गला घोटा गया। निशान देख रहे हो? कौन? इसके हाथ में ये किसी मर्द के बाल फंसे हुए हैं।
इसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो सर, और इसको भी जमा कर लो एविडेंस के तौर पे। करडे एविडेंस में गाना इसे मदे गायकोड, मुझे लगता है इसे कई लोगों ने मिलकर मारा है। कई लोगों ने इंजरीज देख रहे, ये किसी एक आदमी का काम तो नहीं है। एनी तुम फॉरेंसिक टीम को बुला। सर ये सब कुछ जब हुआ तब आप लोग कहाँ थे? मैं अपने क्वार्टर में थे। हाँ सर, मैं भी अपने रूम में ही था। सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती हैं तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था सर। और लड़कियाँ? वो अपने कमरे में होंगी। सर फॉरेंसिक टीम ऑन द वे। ये कमरा किसका है? सर लड़कियों का कमरा है। आप दोनों यहीं रुकिए। कौन है? कौन है? शांत बैठो, पुलिस है। पुलिस करड़े सिस्टम बूथ रहा। सर ये स्टम्प्स हमारे नहीं हैं। तो फिर किसके हैं? सर हमें नहीं पता ये। और तुम्हारे कमरे में ये खून? सर हमें कैसे पता हो सकता है? तुम्हारी माया मैडम को किसी ने मार दिया है, इसके बारे में कुछ जानते हो तुम? ये तो नहीं पता सर, पर माया मैडम बहुत स्ट्रिक्ट थी, सबका बाहर जाना बंद कराया था उन्होंने, और लड़कियाँ बहुत बदतमीजी से बात करती थी उनसे। जी सर, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी इसलिए कुछ लड़कियाँ उससे नाराज भी थी। कौन लड़कियाँ? क्या मालूम। ठीक है, यहाँ नहीं बताना चाहती तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहाँ बता देना। अरे नहीं नहीं सर, मैं क्यों जाऊँगी पुलिस स्टेशन? ले जाना है तो वो नीलू, त्रिशा और सविता, इन दोनों को लेके जाइए। इन्हें ही तो थी ना माया मैम से बहुत नफरत। माया मैडम पर तुम्हें बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करवाया था, है ना? हाँ। देखो कोर्ट अंधेपन के साथ कोई रियायत नहीं करता, मर्डर मर्डर होता है और मर्डर की सजा होती है फांसी। अब अगर तुम लोग खुद से कबूल कर दो तो हो सकता है कि बता दो किसने किया, कैसे किया, कौन कौन शामिल था। ये जुगल, अरे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है तेरे को? हा? वो सर कड़े इसके फिंगरप्रिंट ले लो, वैसे भी फॉर्मेलिटी है, स्टंप पे मिल ही जाएंगे इसके फिंगरप्रिंट। मेरे क्यों आएंगे सर, मैंने तो सिर्फ लाके। चुप जुगल चुप। सर मैंने इस नीलू को बोला था खतरा है, हम सब फंस जाएंगे, पर इस नीलू को तो बदला लेना था ना। त्रिशा सविता, हाँ अब सुना है माया मैडम रिजाइन करके यहाँ से जा रही है। अब जा रही है तो जाने दे, बला टली। अरे ऐसे कैसे, हमारी इज्जत उछाल के जा रही है। तो क्या खेल खत्म करते हैं? सच यार, जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस औरत ने, पहले सब कितना सही था। इसलिए तो बोल रही हूँ, जहाँ जाएगी वहाँ लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद करेगी। एक ही बारी में ना इस बला को खत्म करते हैं। पर कैसे? अरे जुगल से जो स्टम्प्स मंगवाए थे वो कहाँ रख दिए मैंने? तुम लोग यहाँ क्या बात है? अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? चलो चलो चलो। और फिर तुमने दुपट्टे से माया का गला घोट दिया। नहीं सर, दुपट्टे से नहीं, हमने दुपट्टे से कुछ नहीं किया था। तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था? नैना और शबनम। पाटिल मैडम इसे रहना गाड़ी गला। सर नहीं सर। सर मुझे तो लगता है कि माया के साथ साथ उसकी बेटी स्वीटी का मर्डर भी इन लड़कियों ने ही किया, पर इन दोनों को मारने के लिए उनके पास वजह भी थी।
पता नहीं क्यों गायकवाड़, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन लड़कियों के अलावा कोई और भी शामिल है इसमें। अगर इन लड़कियों की बात पर विश्वास किया जाए तो जब स्वीटी की मौत हुई थी तब बगल से कोई पास हुआ था, कॉरिडोर में कोई मुझे धक्का देकर भागा था, और माया के केस में उस दुपट्टे का भेद। लेकिन सर, इन लड़कियों के बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सर, स्वीटी के बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, स्वीटी के गले पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो रजत के। उठा उसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, कुछ नहीं किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, ऐसे नहीं बताओगे। स्वीटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, उसके गले पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तुम्हारी उंगलियों के हैं। देखो मास्टर जी, सच बता दो वरना शक की बिना पर और इस सबूत के बेसिस पर तुम्हें अंदर डाल के मिर्चियां तो खिलाते रहेंगे, लेकिन अगर बताओगे तो शायद यू नो। सर, मैं स्वीटी को मारना नहीं चाहता था सर, लेकिन माया सर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने उसको बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरी सगाई तय कर चुके, अब रिश्ते को यही खत्म करना होगा, लेकिन सर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, रोज झगड़े करती थी। माया, माया मेरी बात तो सुनो। माया, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम बस मुझसे शादी कर लो। देखो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इस रिश्ते को यही खत्म करना होगा यार। ओके, ठीक है। तो हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है ना, और मेरी प्रेगनेंसी की खबर कि तुम्हारी राधा को, प्रिंसिपल को और पूरे स्कूल में मैं फैला दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। माया, माया सुनो तो एक बात। माया, माया गेट खोलो। माया, माया गेट खोलो ना यार, कुछ बात करनी है तुमसे। माया, माया क्या हुआ? माया, मैं बोल रहा हूँ गेट खोलो। माया, मैं सच बोल रहा हूँ, इसको जान से मार दूंगा। माया खोलो गेट। माया, माया गेट खोलो। सर, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं गुस्से में था इसलिए ज्यादा जोर से उसका गला दब गया। मैं तो सर सिर्फ माया को डराना चाहता था। सर, अगर सिर्फ माया को डराना चाहते थे तो मौका देख के उसको क्यों मार दिया तुमने? सर, मैंने माया को नहीं मारा है। सर, गलती से मेरे हाथ से स्वीटी का कत्ल हो गया। मैंने माया को नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने। सर गर्डे, इसको यहीं पर बिठा के रखो और तब तक मिर्चियां खिलाते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर, सर मैंने नहीं मारा। सर, बात कुछ समझ में नहीं आई। बेटी को मारा आशिक ने, लेकिन माया ने इल्जाम चौकीदार पे लगा दिया। इसी ने मारा मेरी बच्ची को। सर, वो झूठ क्यों बोल रही थी? प्यार या फिर कोई ऐसी जरूरत जिसके सामने बेटी के मौत के भी कोई मायने नहीं नजर आने, या फिर कोई और वजह? पर हो सकता है वो वजह माया की मौत में ही छुपी। अच्छा, एक काम करो गायकोट, सबसे पहले तो उस चौकीदार को रिहा कर दो। दो मर्डर्स, कई सारे सस्पेक्ट्स, और हम अभी भी सच से दूर। पुलिस वालों के लिए इससे बढ़कर स्ट्रेस की बात और कोई भी नहीं होती। माया को किसने मारा था? क्या रजत ने माया को मारा था, या लड़कियों ने माया को मारा था, या फिर उसके जाहिल पति ने मारा था? अब आप ये पूछेंगे कि अगर लड़कियों ने माया की इतनी बेरहमी से पिटाई की थी तो फिर शक किसी और पर क्यों? लेकिन लड़कियों का ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ माया को पीटा था, उसकी जान नहीं ली। इसके अलावा मर्डर स्पॉट पर हमें वो दुपट्टा भी मिला था। इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो तरीका जिस तरीके से हम पुलिस वाले काम करते हैं, और वो था माया के हाथ में मिले बाल का डीएनए रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे थे। सर, माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या मिला? सर, दो चीजें सामने आई। एक तो ये कि माया की मौत शरीर पे लगे चोट की वजह से नहीं, गला घोटने की वजह से हुई, और दूसरी ये कि माया प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? सर, इसका मतलब वो रजत को सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, और अगर उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है तो नहीं। सर, हमने उनका गला नहीं घोटा था। सर, हमने उन्हें स्टंप से मारा था जो जुगल ने दिया था। हाँ सर, स्टंप से मारा था। उसको मार के क्या करूंगा सर, बेटी तो गई, और जिस दिन ये सब कुछ हुआ मैं पूना में था सर।
किसी को भी पूछ लो, मेरा सेट उधर है, आप पूछ लीजिए सर। सेट का नंबर? सेट का नंबर? हाँ शोभा, मैं आते वक्त लेते आऊंगा सब्जी, हरी सब्जी लाऊंगा। अरे नहीं बाबा, आलू खाना बंद कर दिया मैंने। हाँ चलो अभी रखो फोन, तुम रखो, बाय। हाँ बोलो सर। मैंने पता किया कि परेश सच कह रहा है, माया के मर्डर के वक्त वो पुणे में था। मैंने ये बात उसके सेठ से कंफर्म भी की। तो अगर परेश ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर माया के हाथों में जो बाल मिले थे उसके DNA रिपोर्ट सर किसी प्राइम सस्पेक्ट से मैच हो रही है? किसी से नहीं, सिवाय चौकीदार के। चौकीदार? लेकिन ये कैसे हो सकता है? माया के मर्डर के वक्त वो जेल में था। रिपोर्ट ये कह रही है गायकवाड़ के चौकीदार से कुछ परसेंट तक DNA मैच हो रहा है। कुछ परसेंट तक? मतलब हमें क्यों लाए साहब? तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल? माया की डेड बॉडी पर जो बाल मिला है वो तुम्हारा है। अब पूरी कहानी तुम हमें बताओगे या हम? हमारे भाई की इज्जत उतार के रख दी उस औरत ने, जेल भेज दिया उसे, ने तय किया उस रोज। तुम लोग यहाँ? चलो हमने चेक किया, वो जिंदा थी। हमने अपने हाथों से उसका गला काट दिया। कौ आदमी हमारा भाई, उसकी इज्जत हमारी इज्जत। एक स्कूल जिसमें पढ़ने वाली लड़कियां नजर से लाचार थी। हमने ऐसा सुना है कि जो लोग नजर से लाचार होते हैं उनके कान बड़े चुस्त होते हैं, तो क्या ये लड़कियां होने वाले गुनाह की दस्तक को सुन नहीं पाई? स्कूल के बाहर के लोग इन लड़कियों का शोषण करना चाहते थे और माया उन्हें डिसिप्लिन करके उस शोषण से बचाना चाह रही थी, लेकिन लड़कियां ये बात समझ नहीं पाई। खुद माया भी लड़कियों के अंदर बढ़ते हुए गुस्से को समझ नहीं पाई, रजत की असली नीयत को समझ नहीं पाई, उसकी सगाई की दस्तक को नहीं सुन पाई। अगर माया ने इन सारी दस्तकों को वक्त रहते ही सुना होता तो वो सब ना होता जो हो गया। रजत पर स्वीटी के मर्डर का और मनीष पर माया के मर्डर का केस चला। साथ ही साथ नीलू, त्रिशा, सविता और उनकी दो साथियों पर माया को मारने की साजिश और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जशीट हमने फाइल किया। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि माया ये जानती थी कि रजत ने उसकी बेटी का मर्डर किया है, फिर भी पुलिस के सामने उसने चौकीदार मनोहर पर झूठा इल्जाम लगाया। माया ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या प्यार वाकई इतना अंधा होता है? मुझे नहीं लगता है। खैर, मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।